नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण हा नांदेड या ठिकाणी हिंगोली गेट जवळ आलेले आहेत। या हिंगोली गेट जवळ हा खाजगी जे आहे ट्रॅव्हल्सांची कशा पद्धतीने मनमानी आहेत आणि या खाजगी ट्रॅव्हल्समुळं अनेक लोकांना त्रास होत आहे। आणि ह्या बी एन सीची रोड आहेत, हा बी एन सीचा रस्ता आहे, या रस्त्याचा हा डिवायडर जे आहे ते सुद्धा तोडण्यात आलेला आहे। आपण सगळे आज पाहणार आहे की कशा पद्धतीने हा खाजगी ट्रॅव्हल्सांची मनमानी आणि यांची दुकांची कोंडी होत आहे। शहरात परवानगी नसताना इथं शहरामध्ये हा हिंगोली गेटजवळ हा पॉईंट लावलेला आलेला आहे आणि अनेक पोलीस स्टेशनला व RTOला पोलीस स्टेशनला वाहतूक शाखेला या ठिकाणी हप्ते दिले जातात अशाही बोललं जात आहे, परंतु यांच्यावर कारवाई होणार का हे पाहण्याची गरज आहे। आज हिंगोली गेटजवळ ही अशा पद्धतीने रस्त्यावर हा खाजगी ट्रॅव्हल्स आहेत का खाजगी बसांचे कशा पद्धतीने रस्त्यावर भरणं चालू आहे। इथं डिवायडर तोडलेले आहेत, अनेक लोकांना इथं अपघात झालेला आहे आणि वाजेगाव या ठिकाणी देखील हा ट्रॅव्हल्सनं एका युवकाचा अपघात झाला होता, त्याची मृत्यू झाली आहे। असे अनेक दुर्घटना झालेल्या आहेत। आपल्यासोबत MIM पक्षाचे शहर सचिव शेख बशीर लाला आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। त्यांना जे निवेदन दिलेले आहेत याबद्दल त्यांना काय मागणी केलेली आहे RTO जिल्हाधिकारीला RTOला आणि पोलीस अधीक्षकांना त्यांच्याशी विचारणार। लाला, क्या इसे जो आपने निवेदन दिए तो क्या था इसके अंदर? ये इसके लिए जो ये पॉइंट पे भरने की वजह से रोड पे आने जाने वाले लोगों को त्रास हो रहा और एक्सीडेंट हो रहे, और इतना बड़ा रोड रहने के बाद ये छोटा रोड रहता है, यहाँ पे जाम हो जा रहा है, लोग गिर जा रहे, टू व्हीलर वाले, मोटरसाइकिल वाले, आने जाने वाले। और ये जो डिवाइडर जो निकाला गया जो बिना परवान की महानगर पालिका के BNC के बगैर परमिशन के डिवाइडर निकाल के वहाँ से यू टर्न जब गाड़ी हो रही तो उसकी वजह से लोग एक्सीडेंट हो रहे, अपघात हो रहे उसकी वजह से। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ट्रैफिक जो देख लो ना कि सबसे ज़्यादा हो रहा, उसकी समस्या ये है कि ये ट्रैवल्स स्टैंड शहर के बाहर जाना चाहिए, शहर के बाहर रहना, शहर के बाहर रहने तो कोई मसला नहीं, मगर शहर में रहने की वजह से इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, ट्रैफिक हो रहा, एक्सीडेंट हो रहे। पिछले बारी में जगह एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चा मर गया था पुराने ब्रिज पे, तो ऐसे अनगिनत अपघात हो रहे जो बता नहीं सकते उसको कि हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जो एक्सीडेंट नहीं हो रहा, और हर 5 मिनट को जाम हो रहा, देख लूँ नागे से लेके एयरपोर्ट तक जाम हो रहा। तो उसकी समस्या ये है कि ट्रैवल्स की वजह से जाम हो रहा। जिस तरीके से वाहतूक शाखा भी जो रहती तो मोटरसाइकिल वालों को या ऑटो वालों को बड़े ईमानदारी से फाइन मार देते, तो इन लोगों पे हेवी व्हीकल पे या ट्रक पे लॉरियों पे इस पर क्यों नहीं मारते फाइन? इन्हों क्या साठगाट तो है बोल के तो इन तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के लोग इनको कुछ डिटेन नहीं करते गाड़ी, और इन पे फाइन भी नहीं होता, बिंदास चलता, ओडशीट चलता, सब चलता। समस्या है सबसे बड़ी ये है कि शहर के लोगों को इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा, आने जाने वाले लोगों को, ट्रैफिक को, जिसको जल्दी जाना है उन्हें लेट हो जा रहा। अगर ये बाहर रहे तो हमको उससे कोई तकलीफ नहीं, मरा शहर में रहने के वजह शहर के लोगों को तराज हो रहा, और उन लोगों का सपोर्ट है नांदेड़ RTO का बोल के ये इतना बड़ा उला ढाल चल रहा। क्या रहता लाला इसके अंदर कि कुछ वाहनों में फिटनेस वगैरह ये भी चेक करना जाता है, मगर ये लोग कहाँ से भी बसा ला के नांदेड़ ज़िले में चलाते और पूरे पुलिस स्टेशन लगते, मगर कोई रोक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और इनकी कोई चेकिंग नहीं होती कि फिटनेस है, और इनके जितने बिठाने का रहता उसके ज़्यादा लोग भी बिठाते हैं पैसेंजर, और अनगिनत अपने मनमानी के हिसाब से पैसे लेते, तो इसमें वचक नहीं है। और ये चीज़ें क्या रहता है इसके अंदर? वचक इसलिए नहीं है कि ये लोगों के आशीर्वाद है, इनका साठगांठ है बोल के इनके आशीर्वाद से चल रहा हो सब, इसलिए चल रहा कि भाई इनका कुछ ख़त्म भी होगा तो इनकी गाड़ी पकड़ नहीं सकते, क्यों तो मिली भगाते बोल के चल रहा हो। और उसके अलावा ये जो परमिट रहता CC परमिट डिस्ट्रिक्ट पे चला नहीं सकते, CC परमिट के रूल्स रेगुलेशन अलग रहते। CC परमिट के मायने ये है कि एक जगह पे भरना और दूसरे ज़िले को जाना, यही ज़िले में यहाँ का यहाँ चलाने के लिए CC परमिट नहीं रहता, तो ये परमिट का उल्लंघन हो रहा और शासन का करोड़ों का नुकसान हो रहा है इसमें, और कुछ लोगों का इसमें मिली भगत है जिनका फ़ायदा हो रहा, मगर सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का इसमें नुकसान हो रहा, क्योंकि तो CC परमिट डिस्ट्रिक्ट में चलाने के लिए नहीं रहता, ये डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट को चलाने का रहता, तो इसमें शासन का नुकसान हो रहा, और ये जो इनकी जो मिली भगत है प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वालों की, तो इनके आशीर्वाद से चल रहा, और वाहतूक पुलिस भी की कोई नज़र नहीं है कि इतने रोड पर गाड़ियाँ रहने के बाद रोड पर भर रहे तो इनको फाइन नहीं हो रहा, यहाँ ट्रैफिक हो रहा, तो उनकी यहाँ नज़र नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ रोक के फाइन मारा जा रहा है मोटरसाइकिल वालों को, ऑटो रिक्शा वाले को, और RTO भी डिटेन कौन से लोगों के गाड़ियाँ कर रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा खुद चालक माला के खुद पेट भर रहा अपना परिवार चला रहा वो लोगों को फाइन मार रहे, अपे ऑटो वाले को, छोटे हत्ती वाले को,
30,000, 40,000, 50,000 के ऐसे फाइना मार के उनके गाड़ियाँ डिटेन करके ला रहे हैं। फ्लाइंग पे जो आरटीओ की गाड़ी घूमती है वो गाड़ी सिर्फ गरीबों के गाड़ियाँ लाना जानते हो ना, रेलवे रैक के इतने बड़ा राशन के उला डाल हो रहा, उतने बगैर फिटनेस के बगैर टैक्स के गाड़ियाँ चढ़ रहे हैं उनको ने लाया जा रहा, उनकी गाड़ी डिटेन नहीं करता। नांदेड़ आरटीओ शैलेश कामत जो है तीन जिले का बॉस, उसके आशीर्वाद से ये पूरा शहर में जो वाहतूक की तोड़ी हो रही उसकी वजह है ये आरटीओ। किसको किसको निवेदन दिए और अगर से इन पर कार्रवाई की क्या मांग करें और नहीं हुआ तो क्या करें? ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को एक निवेदन दिया वाला है और जिला एसपी को, जिला कलेक्टर साहब को और वाहतूक शाखा नांदेड़ एक नांदेड़ दो को भी दिया वाला है। अगर इस पर सही कार्रवाई नहीं होगी और शहर के बाहर नहीं होगा तो अन्यथा हम रास्ता रोक आंदोलन करेंगे या तीव्र आंदोलन करेंगे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हा रस्ता आहे, त्या रोडला डिवायडर आहे, परंतु हा डिवायडरला कशा पद्धतीने तोडून हा मनमानी पाहू शकता आपण बस चालकांची, आणि इथं हा दादागिरी हा प्रशासन का चुप्पी साधलेली आहे ह्याचा शोध लागत नाही, परंतु हा ट्रॅव्हल्सवाल्यांना इथं पॉईंट दिलेला आहे का, हा शहरामध्ये येऊ शकतात का, अशा हेवी व्हीकल आहेत याच्याकडं प्रशासन काय कारवाई करणार हे पाहण्याची गरज आहे। नांदेड जिल्ह्याचे श्रीकृष्ण कोकाटे यांची आपण मुलाखत घेतलेली आहे, त्यांना सुद्धा हा सांगितलेला आहे की नांदेडमध्ये ज्या पद्धतीने वाहतुकीची कोंडी होत आहे आणि अपघाताची संख्या वाढलेली आहे, या अपघात थांबण्यासाठी वाहतुकीची कोंडी होऊ नये यासाठी ऑटो रिक्षा व एसटी स्टँड यांचे सगळं मीटिंग घेणार आहे असं त्यांना सांगितलेलं आहे, परंतु याच्यावर कारवाई होणार का हे सुद्धा पाहण्याची गरज आहे। नांदेडहून मी शेख, या माझा महाराष्ट्र।